तो सबसे पहले तो अमरीश भाई आपका धन्यवाद इस बात के लिए कि आप हर साल ये गुलदस्ता जोड़ते हैं, अलग अलग जगहों से सबको इकट्ठा करते हैं, और बहुत लोगों को आपसे ये सीखना चाहिए कि लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। और हमने आपको सीखकर कोशिश करने की शुरुआत की थी, कुछ कुछ सभी को करना चाहिए। ये जो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट की बात होती है, केंद्र बोलता है राज्य का है, राज्य बोलता है केंद्र का है, लेकिन अमरीश भाई मानते हैं सबका, इसलिए सबको बुला लेते हैं, तो आप सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं। असल बात तो ये है कि अगर हम लीगल राइट्स की या कानूनी तरीकों की बात करें या कानूनी जो प्रावधान है उनकी बात करें, तो हमको अपनी कंफर्ट जोन्स के बाहर निकलना पड़ेगा, हम ही लोगों को। मैं बड़ी देर से सुन रहा था और सुनता रहा हूँ हमेशा से। एक्चुअली हम सब ने अपने अपने कंफर्ट जोन बना लिए, मैंने, आपने, अमरीश भाई तोड़ते हैं हर बार, सबको बुलाते हैं, बाकी लोगों ने कंफर्ट जोन बना लिए हैं, और हम आरटीई के बियॉन्ड नहीं देखते। हमको जब शिक्षा की बात करनी है तो हम वो 39 सेक्शंस पढ़ेंगे, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये आदत हमको थोड़ी सी अगर हम सुधारेंगे, रिसेंटली जब हम लोगों ने सेक्शन 6 और सेक्शन 9 पर काम किया, तब ये पता चला कि एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाती है हर ग्राम पंचायत, GPDP, लेकिन आज तक हम लोगों ने कोई ठोस कोशिश, छोटे छोटे प्रयास हुए हैं लेकिन कोई ठोस कोशिश ऐसी नहीं की कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान का मर्जर हुए बिना GPDP ना जाए। भाई जब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनेगा तो उसके लिए ग्राम सभा की बैठक आहूत होती है, ग्राम पंचायत की बैठक में रखाता है, ग्राम सभा की बैठक में रखाता है, ग्राम सभा में वो सारे लोग हैं जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में हैं। अगर स्कूल डेवलपमेंट प्लान को आप ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के साथ मर्ज करते हैं, तब तो जाकर वो बात पॉलिटिकल एजेंडे की तरह लगती है। अगर हम ये कोशिश करते रहेंगे कि शुरुआत ऊपर से हो, तो हमको 70 साल तकरीबन होगा, और उसके पहले से ये लड़ाई आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की सीमाओं से परे है। शिक्षा की लड़ाई तो आज़ादी के पहले भी लड़ी गई है, और ये हमको अपने इन कंफर्ट जोन्स के बाहर निकलना पड़ेगा और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो पॉलिटिकल विल बनाने की बात है या इस विषय पे, इस विषय को चुनावों का मुद्दा बनाने की बात है, तो इसको शुरुआत हमको नीचे और ऊपर दोनों तरफ से करनी पड़ेगी, तब कहीं बीच में जाकर हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप सब उन NGOs के, उन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के, उन डेवलपमेंट पार्टनर्स के प्रतिनिधि हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई 2 ब्लॉक में, कोई 20 ब्लॉक में, कोई 50 ब्लॉक में, कोई 100 ब्लॉक में, लेकिन कई कई हज़ारों पंचायतों में तो आप ही लोग काम कर रहे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप लोग ही ये इंश्योर करेंगे कि इस बार का, ये अप्रैल में बनेंगे GPDPs, कि इस बार का जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनेगा उसमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान का मर्जर कराना ही है, तो शायद हम कुछ हद तक आगे बढ़ सके। देखिए, HRD मिनिस्ट्री ही पैसे देगी तब स्कूल बनेगा, या सरकार पैसे दे दे तो स्कूल बन जाए, हमको इन दोनों चीज़ों के बीच में सोचना पड़ेगा। फंड्स हैं, कई जगहों पे APMCs हैं, और APMCs के पास पर्याप्त मात्रा में फंड है, वो केवल सड़कें बनाने में लगे हुए हैं। कभी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट कमेटी, ग्राम पंचायतों ने उनसे बात नहीं की कि आप भाई सड़क बन चुकी है, इस बार हमारा स्कूल बना दो, सड़क बन चुकी है, स्कूल में पानी की टंकी लगा दो, ग्राम पंचायत का भवन बन चुका है, स्कूल में हमारे सोलर लाइट का पैनल लगा दो। ये नीचे तक बात जानी पड़ेगी, और नीचे तक बात ले जाने के लिए आप ही लोग हैं जो ये काम करेंगे। आज से 2 साल पहले एक बहुत बड़े हिंदी पट्टी के राज्य में हम लोग रिव्यू मीटिंग कर रहे थे, और हमने शुरुआत की थी कि हम 16 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को स्टेट्स में बुलाते हैं जिनको हम मानते हैं कि ये शिक्षा का अधिकार कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं। जब हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो डिपार्टमेंट था और उसके अधिकारियों से जब ये बात की कि भाई आप लोगों को ये सेक्शन 6 और सेक्शन 9 RTE एक्ट के तहत
बहुत सारे काम करने हैं और इसके लिए आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आप यकीन मानिए, एक बहुत बड़े अधिकारी ने मेरे को बुलाकर ये बोला कि साहब ये नहीं कर पाएंगे, जो कुछ चल रहा है वो बंद हो जाएगा, हम इतना एम्पावरमेंट नहीं दे सकते। मैं स्वीकार कर रहा हूँ उस बात को कि उसने मुझसे ये बात कही थी, लेकिन हमको इस सबके बीच में से रास्ता निकालना पड़ेगा। ये जो माइंड सेट है हमको इसी से लड़ना है। एम्पावरमेंट केवल चुनाव जीतने चुनाव लड़ने से नहीं होगा, उनको कोई बताता नहीं है पूरे 5 साल में कि उनको काम क्या करना है। एक बार बताने की कोशिश करिए, हम लोगों ने महाराष्ट्र में 2017 में, शायद आप में से कुछ लोगों के साथ मैंने पहले शेयर की होगी ये बात, 2017 में महाराष्ट्र में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 6 और 9 पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था। एक जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, पंचायत का उप सरपंच, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, ब्लॉक पंचायत का उपाध्यक्ष, जो शिक्षा समिति का सभापति होता है। उसने हमको ये बताया कि स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, 2-3 बैंक्स के उसने नाम लिए, उन्होंने बच्चों के इंटाइटलमेंट्स का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके अकाउंट्स में हो रहा था वो मिनिमम बैलेंस ना रख पाने के कारण डिडक्ट कर लिया है। 400 रुपये होते हैं, आप सबको पता है, यूनिफॉर्म के पैसे जो होते हैं। अब वो बच्चे के वो 400 रुपये डिडक्ट कर लोगे तो काहे से यूनिफॉर्म पहनेगा और क्यों स्कूल जाएगा। हमने उसमें चेयरपर्सन जो बैंक के थे उनको सम्मन किया, फॉर द फर्स्ट टाइम किसी कमीशन ने इस तरीके से उसको सम्मन करके बुलाया। और उसके बाद आपको खुशी यह जानकर होगी कि बैंक ने हमको पूरा मैकेनिज्म बना के दिया, हमको नोडल ऑफिसर्स दिए, और हमने राज्यवार वो नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर की और एक एक रुपया बच्चों के खातों में वापस करवाया पूरे देश का। तो ये अप्रोच नीचे से, लेकिन हमारे पास कंप्लेंट जनरेट होके आना चाहिए, अवेयरनेस नीचे से आना चाहिए। ऊपर तो हमको पता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ तो बच्चे के खाते में पैसे पहुंच गए, अब किसी ने चोरी नहीं की, लेकिन चोर कब किस वेश में आए हमको नहीं पता, बैंक ने चोरी की उसके पैसे की। तो ये एक बात थी। हम लोग जब आउट ऑफ स्कूल बच्चों के डेटा की बात करते हैं तो कमीशन पूरी शिद्दत से इस बात में यकीन रखता है कि हमारे जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वही सही हैं, और हम मानते हैं कि 8.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और हम अलग अलग आंकड़ों की बहस में पढ़ने के बजाय ये कोशिश करें कि वो 8.5 करोड़ बच्चे कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, किन किन पॉकेट्स में हैं। हमने कई सारी कोशिश की हैं और आज आपके बीच में ये जानकारी शेयर करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि कमीशन एक पोर्टल बना रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्च के आखिरी सप्ताह से वो पोर्टल लॉन्च हो जाए। उसका नाम हम लोगों ने रखा है मॉनिटर, बच्चों की क्लासरूम में जो मॉनिटर होता है वैसे ही मॉनिटर, मैनेजमेंट ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन रिपोर्टिंग। अब जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल है वो कहाँ कहाँ हो सकता है और उसके लिए क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। देखिए, कमीशन में भी ये होता रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाला आरटी एक्ट वाले से बात नहीं करता और पॉक्सो एक्ट वाला जेजे एक्ट वाले से बात नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमको आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो ये जो मॉनिटर पोर्टल हमने बनाया है ये इंटर लेजिस्लेशन कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया। भाई बच्चा स्कूल में नहीं है तो बच्चा चाइल्ड लेबर में हो सकता है, बच्चा स्कूल में नहीं है बच्चा ऑब्जर्वेशन होम में हो सकता है, बच्चा किसी CCI में हो सकता है, बच्चा सड़क पे हो सकता है, बच्चा किसी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है, कहीं भी वल्नरेबिलिटी का सामना कर रहा होता है अगर वो स्कूल में नहीं है तो। तो हमने पहली बार ये कोशिश की कि जो बच्चे CWCs के सामने प्रोड्यूस होंगे उनका मंथली डेटा हमारे पास आएगा, जो बच्चे पॉक्सो के विक्टिम्स होंगे उनका डेटा भी हमारे पास आएगा, जो बच्चे चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू होंगे उनका डेटा भी हमारे पास आएगा, चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू करने के लिए जितने ऑपरेशंस चलाए जाएंगे उनका डेटा भी हमारे पास आएगा, और साथ साथ बच्चे स्कूल के बाहर कितने निकल गए। मज़ेदार बात यह है कि कानूनी प्रावधान मौजूद है, इस सरकार ने, मैं जोर दे के कहूँगा, जिस चाइल्ड लेबर एक्ट को पूरी हम लोगों ने मानने से मना किया और उसमें कई सारी खामियां निकाली, लेकिन उसी के जब रूल्स नोटिफाई हुए तो हमको इस बात की सफलता मिली
कि रूल टू भी ये कहता है कि अगर 30 दिन तक बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो उसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग प्रिंसिपल को करनी होगी और जो कमेटी इस रिपोर्टिंग के बाद एक्शन लेगी उसको डीएम प्रिसाइड करेगा। तो ये जानकारी भी हम इस मॉनिटर पोर्टल में ले रहे हैं कि कितने बच्चों की डीएम को स्कूल प्रिंसिपल से रिपोर्ट की, फिर हम वहाँ भी जानकारी ले रहे हैं चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट से कि कितने बच्चों को रीएंगेज करने के लिए आपने लेबर डिपार्टमेंट से कितने बच्चों को रीएंगेज करने के लिए आपने काम किया। तो इस प्रकार हमने एक कोशिश की है कि ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे कहाँ कहाँ साइलोज में हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, उनको निकाल के राष्ट्रीय पटल पर लाया जा सके और हर महीने एक रिपोर्ट कार्ड हम राज्य सरकारों का उनको दे सकें कि भाई ये आपकी स्थिति है, अब इसको ठीक करिए। तो ये हम लोगों ने एक कोशिश की है और इसकी ज़रूरत कई सारे कारणों से पड़ी। एक कारण मैं आपको बताता हूँ, इस रिपोर्ट में मैंने अभी देखा कि स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स को बड़ा उल्लेख किया गया है और सीमा जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपने भी स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स पर बड़ा काम किया हुआ है। कमीशन ने इन स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स की खैर खबर लेने के लिए HRD मिनिस्ट्री से पैसे मांगे, उन्होंने हमको पैसे दिए, हमने एक स्टडी कराई। आपको जानकर हैरत होगी कुछ राज्यों ने तो हमें अभी तक नहीं बताया है कि उनके यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ मौजूद है, हमको उनके पते नहीं बता पाए। हम कोशिश कर रहे थे कि उन तक पहुँच जाएँ, बच्चों से बात कर लें, पर वो कागज़ के बाहर हमको कहीं मिले नहीं, ये फैक्ट। इसके बाद हमको ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमको खुद ही आगे बढ़कर इनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और ये असल में कहाँ हैं और कितने हैं ये पता चल जाए एक बार, तब तो आगे जाके बात होगी कि इसका मदर टंग का करिकुलम कैसे आएगा और सिलेबस वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। सब बातें तो तब है जब ये पता चले कि स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर फिजिकली कहीं बना भी है या नहीं बना। बहुत सारी बातों के बीच में एक बात जो आखिरी है और जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता आया हूँ, एक बार फिर करके यहाँ से जाऊँगा। मित्रों, सन 2002 में जब 86th अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकाल के राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया और उसके बाद सर्वशिक्षा अभियान को शुरू किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट देने के बाद एक उसमें लिखा गया कि इसके लिए सरकार एक कानून बनाएगी। मैंने डॉक्टर जोशी से इस बारे में बात की कि जब आपने ये लिखा कि कानून बनाएगी तो आपके मन में क्या था। उन्होंने बोला कि बच्चे अबोध हैं, 6 से 14 साल का बच्चा अपने हक की लड़ाई खुद तो नहीं लड़ सकता, उसका हक एंश्योर रहे, उसके हक उसको मिले, इसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा और सरकारें चूंकि कानून के दायरे में काम करती हैं इसलिए कानून बनाने की बात जो है वो वहाँ पे की गई। 2010 में कानून भी बना, लेकिन हम धारा 12(1)(c) की हमेशा बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि 2012 में RTE एक्ट का पहला संशोधन आया और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो प्राइमरीली रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट करते थे उनको इसके दायरे के बाहर कर दिया गया, किसी ने बात नहीं की। 2014 में मई के महीने में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आया और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स सभी तरीके के इसके बाहर चले गए। 5 साल में किसी ने बात नहीं की और मज़े की बात तो ये है कि जब शिक्षा का अधिकार कानून बना उसकी धारा 31 ने नेशनल कमीशन को और 32 ने स्टेट कमीशन्स को ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए और मॉनिटरिंग के लिए अथॉरिटी बनाया, लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो 2012 वाले फैसले में और ना 2014 वाले फैसले में कमीशन को पार्टी बनाया गया, ना कमीशन ने यह जहमत उठाई कि वो जाके बच्चों के हक की आवाज़ वहाँ पे कर सके और ना सरकार ने यह जहमत उठाई कि वो कमीशन को पार्टी बनाने के लिए बोल सके। तो कुल मिला के बच्चों की आवाज़ तो सुनी ही नहीं गई और इसका नुकसान पिछले 5 सालों में क्या हुआ है एक बानगी केवल आपको बताऊँगा। इस देश में जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो बुद्धिस्ट गुम्पाज हैं, वो वैदिक पाठशाला हैं, वो मदरसा हैं, वो मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं।
मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल देश के इलीट क्लास के लोगों के बच्चों के पढ़ने के संस्थान बन चुके और उनका एक्सक्लूसिव नेचर बरकरार रहे, वहाँ गरीब का बच्चा पढ़ने ना पहुँच जाए, वहाँ 12(1)(c) के प्रावधानों के तहत ड्राइवर का बेटा बाबू साहब के बेटे के साथ ना पढ़ ले, ये तकलीफ सबसे बड़ी थी। और इस तकलीफ के चलते इस तरीके के फैसले इस देश में लिए गए कि कानून को अमेंड कर दिया और ये भूल गए कि संस्थाएं कानून के दायरे के बाहर हो सकती हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों को दे रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कानून कैसे बच्चों को उसके दायरे के बाहर कर सकता है। मतलब अगर आप एट ए ग्लांस देखते हैं तो ये समझ में आता है कि जो कानून बच्चों को उनका संविधानिक अधिकार देने के लिए बना था वो ही इस तरीके का एम्बिगस हो गया कि वो बच्चों को उनके अधिकारों से दूर कर रहा है। और इसका परिणाम ये है कि देश के अनरिकग्नाइज्ड रिलीजियस मदरसों में 1.5 करोड़ बच्चे लगभग अभी पढ़ रहे हैं जो फंडामेंटल एजुकेशन से दूर हैं। और इसका कारण यह है कि हम बात नहीं कर रहे। ये 39 सेक्शंस हैं इस एक्ट के और ये एक्ट कहीं भी रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए मना नहीं करता, कहीं मना नहीं करता। हमने देश के 12-14 शहरों में मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ बात की, बच्चों के साथ बात की, मदरसा चलाने वालों के साथ बात की, बड़ों के साथ बात की, मुफ्तियों के साथ बात की, मौलानाओं के साथ बात की, कारियों के साथ बात की। तमाम बातों के बाद हमने उनसे पूछा कि इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि आप रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। आप सब लोग इस एक्ट की प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो ऐसी कौन सी जरूरत थी कि इंस्टीट्यूट्स को बाहर करना पड़ा केवल 12(1)(c) के तहत गरीब बच्चे को एडमिशन देने से एक्सक्लूड करने के लिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि इन इलीट क्लास स्कूलों में एक भी गरीब बच्चा नहीं है और इन मदरसों में देश का सबसे गरीब बच्चा पढ़ रहा है, जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है। वो उसको आपने फंडामेंटल एजुकेशन के राइट से महरूम किया है। वो केवल एजुकेशन का राइट नहीं था, उसमें किताबें थीं, उसमें मिड डे मील का खाना था जो उसके न्यूट्रिशनल कमियों को पूरा करता, उसमें यूनिफॉर्म थी, उसमें किताबें थीं, उसमें आगे चल के साइकिल थी, उसमें दुनिया की चीज़ थी, आपने काट के रख दिया। कमीशन ने इस बारे में लॉ मिनिस्ट्री से बात की, हम लोगों ने बकायदा रेजोल्यूशन पास किया है, हमने लॉ मिनिस्ट्री से इस बारे में उनकी सलाह मांगी और निश्चित रूप से कानून के दायरे में रहकर बच्चों को उनका हक दिलवाने के लिए क्या किया जा सकता है। कमीशन इस पर काम कर रहा है और आने वाले समय में जो भी कदम कमीशन को बच्चों के हक के लिए उठाने चाहिए हम निश्चित रूप से उठाएंगे। मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आरटीई फोरम को, आप इसी तरह इस लड़ाई को लड़ते रहें। आपकी इस लड़ाई में मैं हर कदम, मेरा पूरा कमीशन आपके साथ है। आप जो भी हुक्म हम लोगों को करेंगे हम बच्चों के हक के लिए वो सारे काम करने को तैयार हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच कनुंगो जी। आई थिंक यू रियली ब्रॉट आउट सम ऑफ द की एरियाज दैट द कमीशन हैज बीन वर्किंग ऑन एंड आई थिंक वंस अगेन ब्रॉट टू अस इवन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द माइनॉरिटी स्कूल्स वंस अगेन ब्रॉट टू अस दैट द स्टेट इज रियली रिस्पॉन्सिबल and the state has the responsibility whether it's minority schools, whether it's government schools, whether it's homes, institutions, but the right to education is actually something that the state has to be responsible for, and we really look forward to, you know, pushing this agenda so that the state is able to give the fundamental right to the children, and I don't think anybody should be exempt from it. Nobody should be exempt from ensuring that children are given the fundamental right of education, not till 14 but to a higher level of education. Thank you so much for, unfortunately, you are the only one who's left of this panel, but I would just like to give one or two people a chance to bring up any particular agenda that you would like the commission to highlight, take forward. Agar aisa kuch ek do mudde hain jo hum commission ko dena chahenge, just we'll just take these three. Yeah. We have just three hands. We'll just take three hands. Yes, thank you. Very short.
जो आप ब्रीफली प्लीज जो अभी आपने पंचायती राज आर्टिकल 6-9 की बात उसको आप दिल्ली स्टेट के लिए कैसे देखते हैं क्योंकि तो पंचायती राज नहीं है वो पंचायती राज नहीं है तो लोकल अर्बन बॉडी है वहाँ पे जो लोकल अर्बन बॉडी की लोकल अथॉरिटी लिखा है उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूट नहीं लिखा तो जो लोकल अर्बन बॉडी है वो उसके लिए वही सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मे बी द काउंसलर नहीं नहीं लोकल अर्बन बॉडी जो होती है उसमें एक एजुकेशन कमेटी है ना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ दीज राइट्स ओके थैंक यू मेरा नाम दिनेश है और मैं बिहार से आया हूँ बिहार में पिछले 2 वर्षों से विद्यालय के अंदर किताबें नहीं दी गई है बच्चों को और उसके बदले बच्चों के खाता खोले गए उसके अकाउंट्स में पैसे भेजे गए लेकिन उससे किताब भी नहीं खरीदा गया कहीं कहीं वो खर्च हो गया तो ये तो मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है तो स्कूल इसी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना है। तो और क्वेश्चंस ले लेंगे और फिर रवि की भी मैं उन बच्चों की बात करूंगी जो 12NC के तहत EWS के बच्चे और TA category के बच्चों का जो एडमिशन होता है प्राइवेट स्कूलों में 25% वो एक समय पे आके कभी 6th class या 8th से जाने से पहले पहले ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो उन बच्चों को कमीशन किस तरह से देखता है और क्या उन बच्चों के लिए प्रावधान है आगे की एजुकेशन के लिए तो वो मेरा सवाल था बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांक जी एंड आप हमेशा जो है बहुत ही हमको एक कानूनी फ्रेमवर्क के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं और लगता है कि बहुत कुछ संभव है तो पहली तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस बात के लिए बधाई भी देना चाहती हूँ कि आपने हम सब लोग को इस चीज़ के लिए इनक्रेज करते हैं कि हम आपके पास आएँ और जो भी विद इन द कानूनी लीगल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है वो गाइडेंस देते हैं मेरा एक बहुत ही अहम मुद्दा है और वो मैंने पिछले सेशन में भी उठाया था और सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं आंकड़ों पे बात हुई है बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई है मेरे लिए जो बड़ा डिस्कम्फर्ट है वो ये है कि हम जिन बच्चों की बात करते हैं वो बच्चे किसी का वोट बैंक नहीं है एक्चुअली क्योंकि वो वोट ही नहीं देते हैं तो क्यों ना हम जो हम एक कैंपेन चलाते हैं यहाँ से जो कि बहुत ज़रूरी है तो अब शायद समय आ गया कि उसको ग्रास रूट इस तरह से चलाया जाए उन बच्चों को आगे किया जाए कि वो क्या चाहते हैं क्योंकि हम लोग बैठ के बहुत बातें कर रहे हैं और करते रहेंगे शायद लेकिन अब समय है कि चूँकि बच्चा सब लोग हम बच्चों की बात कर रहे हैं चाइल्ड इज़ एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू एवरीथिंग दैट वी डिस्कस एवरीथिंग वी टॉक सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस मैं आरटी फोरम से भी अनुरोध करूँगी कि चूँकि हमारे पास एक बहुत ही वाइब्रेंट एक बॉडी है SMCs PRIs का आपने कहा तो क्यों ना हम एक ग्रास रूट से एक कैंपेन शुरू करें अभी भी देर नहीं हुई है वी स्टिल हैव सम टाइम आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दैट थैंक यू वी हैव वन मैन बिहाइंड एंड वन आइडिया एंड वी मेरा एक क्लैरिफिकेशन है जो मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने लीगल पॉइंट्स काफ़ी सारे चाइल्ड राइट्स के बारे में उठाया है तो ये कि जैसे सुबह भी एक वक्ता ने बात की थी कस्तूरबा गांधी हॉस्टल्स की हाँ तो जो हॉस्टल्स हैं और NCPCR की गाइडलाइन जो निकली है उसके बारे में मेरे को जानना है हाँ NCPCR की गाइडलाइंस क्या वो ये बताती है कि हॉस्टल्स जो बच्चों के हैं वो बच्चों को के हॉस्टल्स को CWC के दायरे में लाती है या नहीं लाती है मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ मैं वेस्ट बंगाल से हूँ मेरा नाम फरीदा है और मैं दो सवाल है मेरा मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी एक तो है जलपाईगुड़ी के बारे में क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिकिंग बच्चे हैं और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका अगर आप देख लो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे माँ बाप ड्रंकर हैं और माँ बाप छोड़ के चले भी जाते हैं दिल्ली और मुंबई और मतलब चले जाते काम करने को बच्चों को घर पर छोड़ देते हैं वहाँ पर कोई होम नहीं है वहाँ पे किसी भी तरीके कोई होम नहीं है वहाँ पे जो स्कूल्स है 15 किलोमीटर दूर है 7 किलोमीटर जाते हैं बच्चे 7 किलोमीटर आते हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं पहला ये दूसरा कि मतलब गवर्नमेंट का बहुत सारा ये है
एक्ट है, बहुत सारा कानून है, जे जे एक्ट, सी एल पी आर है, और जबकि इंडिया ने 1992 में यूएनसीआरसी में मतलब रेटिफाई किया है कि वो 0 से 18 को वो मानते हैं, तो ये अलग अलग तरह के कानून निकालने का क्या मतलब, और एनसीपीसीआर इससे इसके बारे में क्या सोचती कि बच्चों का एज है क्या एक्चुअली में? बच्चे भी कंफ्यूज हैं, वो 16 साल के बच्चे रहेंगे या फिर 17 साल में वो बच्चे हैं या डाउट में हैं वो? तो फरीदा नाम बता दी जी। मैं डॉक्टर मधुकर गुमला, महाराष्ट्र, आरटीओ फोरम और स्टैंडर्ड्स अलायंस। मेरा आपसे एक सवाल है, एनसीपीसीआर को या एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को पूरा अधिकार है ये इम्प्लीमेंटेशन करने का, लेकिन हम लोग जो देखते हैं ट्राइबल आश्रम स्कूल, वहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है बच्चों की, वहाँ बहुत सारे सेक्सुअल एब्यूज वगैरह होते हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ ये कर पाएंगे क्या? और दूसरा, बहुत सारे लोग काम करते हैं इस पर आरटी के ऊपर, तो आपके द्वारा मैंने पिछले बार आपको मिलकर बात किया था हेमांगी जोशी और मैंने, कि महाराष्ट्र में या अलग अलग स्टेट में आपके द्वारा एससीपीसीआर को एक्टिव करके आप कुछ मीटिंग ले सकते हैं क्या एनजीओस के साथ, संस्थाओं के साथ जो लोग ये काम करते हैं? सर दो सवाल, तो आपका और आपका जवाब, जब मैं हॉस्टल का जवाब दूंगा तो आपका जवाब उनके साथ मिला हुआ रहेगा। बिहार स्कूल की बुक्स की जो बात है, आपको मेरे को एक पहली बार मेरे को ये विषय पता चला है, फैक्ट है, और अगर आप मुझे एक रिटर्न कंप्लेंट देंगे तो फिर मैं इस पर आगे कॉग्निजेंस लेंगे और प्रॉपर कार्रवाई इस पर करेंगे और इसको असेस करने की कोशिश करेंगे कि भाई किताबें भेजना ज़्यादा ठीक है या बच्चों के खाते में पैसे भेजना ज़्यादा ठीक है, दोनों में से क्या उचित होता है। बिहार सरकार से फिर उस विषय पर अपन बात करेंगे। एक बार आप मुझे राइटिंग में मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए, उस पर भेज दीजिए, cp.ncpcr@nic.in, nic.in वेबसाइट पे भी है। आपने जो राइट टू पार्टिसिपेशन की बच्चों की बात उठाई है वो बिल्कुल होना चाहिए, और लेकिन हम कमीशन्स के पास जो है, जब हम पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए कोई बात करते हैं या कोई नई बात सरकार को बताना चाहते हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए जब हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दी, हमने बच्चों को उसमें शामिल किया, बच्चों से बात की, कई जगहों पे हम बच्चों से बात करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि सोशल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, जो सभी से लगातार बात करने संभव होगा। आपको जहाँ लगता है कि कमीशन और क्या कर सकता है, आप सुझाव दीजिए, जो हमारी क्षमता में होगा हम वो सब करेंगे। जलपाईगुड़ी की जो बात है फरीदा, जलपाईगुड़ी में बेटा जब मैं खुद गया था ना, तो वहाँ की डीएम ताला लगा के चली गई थी ऑफिस में, और ऑफिसर्स नहीं मिलते वहाँ पे, मेरे को वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सम्मन करके बुलाना पड़ता है, और मेरे सम्मन के ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम उनसे लड़ते हैं। तो जलपाईगुड़ी जितनी प्रॉब्लम आपके लिए है, वहाँ पे कमीशन भी उतनी सिंसियरली से उन सिंसियरिटी के साथ उन प्रॉब्लम से लड़ रहा है, और मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ उनसे। नहीं, DCPO तो जेल भी भेजा ना हमने वहाँ का, हाँ तो DCPO तो बच्चे बेच रहा था वहाँ का, जब हमने पूछा तब वो जेल गया है, और वहाँ की DM तो ताला लगा के चली जाती है ऑफिस में जब हम जाते हैं, मतलब पैथेटिक सिचुएशन से वहाँ पे। आप जो बोल रहे हो होम नहीं है, 2-3 होम तो हमने बंद करवाए हैं क्योंकि वो होम चलने लायक थे ही नहीं। तो अब सरकार, बहुत सी सरकारें बिल्कुल ही सेंसिटिव नहीं, तो आप लोगों की ही ज़रूरत है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। आप कंप्लेंट्स रेज करिए, कमीशन आपकी सब कंप्लेंट्स पे कॉग्निजेंस लेते हैं, हम लोग काम करें, आप कंप्लेंट्स रेज करिए। 12-1C के बच्चों के लिए पिछले लगातार 3 साल से
एनसीपीसीआर कैब में ये बात कहता आ रहा है कि भाई ये समस्या आने वाली है, ये समस्या आने वाली है, ये समस्या अब आ चुकी है, ये बच्चे नाइन्थ में ड्रॉप आउट होंगे और किसी को नहीं पता इनका क्या होगा, जो किसी को नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता। उसके बाद के ड्रॉप आउट्स के लिए हमने दिल्ली में तो एक डिटेल्ड जो है एक्सरसाइज की थी, लेकिन इसके लिए हम 12-1C को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मॉडल SOP का ड्राफ्ट अब तैयार कर चुके हैं और अगले फाइनेंशियल ईयर में हम सरकार को देंगे। उसमें हमने प्रोविज़न रखा है कि जो बच्चे एडमिट होते हैं अगर वो सीट खाली होती है तो उस पर EWS कैटेगरी का ही बच्चा आएगा। यही रोकने का सबसे बड़ा प्रोविज़न है, जब वो सीट खाली होने पर भी पैसों में नहीं भरेगी तो स्कूल वाले खाली करने पे कम काम करेंगे। आप रूट कॉज पे नहीं पहुंची, रूट कॉज ये है कि स्कूल ही डिस्करेज करता है ना, स्कूल ही बाहर करता है। और स्कूल क्यों बाहर करता है कि स्टैंडर्ड फर्स्ट में तो दे दिया, थर्ड में वो सीट दोबारा भर लेगा किसी से पैसे लेके। जब ये तय हो जाएगा कि थर्ड में भी जब उसको भरना होगी तो EWS का ही बच्चा आएगा, तो वो डिस्करेजमेंट स्कूल के लिए है, तो इनकरेजमेंट ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए होगा, ऐसे होगा। वो देखिए उसको रिवर्स ऑर्डर में ही पकड़ना पड़ेगा, सीधे नहीं पकड़ाएगा। एक मिनट, जो आपका एक सवाल हॉस्टल वाला है, देखिए हॉस्टल इस देश में दो तरीके के, एक हॉस्टल वो है जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ है, उनको हॉस्टल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहा जाता है, जिसके लिए कमीशन ने एक रेगुलेटरी गाइडलाइन बनाई है जिसको CBSE ने नोटिफाई किया है, सर्कुलेट किया है, ठीक है, आप उसको वहाँ देख सकती हैं। किसी भी प्रकार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल के साथ जो हॉस्टल है ख़ासतौर पे उनके लिए, दूसरे जो हॉस्टल हैं वो स्टैंड अलोन हॉस्टल हैं, वहाँ पर बच्चे जो CNCP हैं, जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, वो नहीं है, इसलिए वहाँ पे एडमिशन्स को रेगुलेट CWC को नहीं करना चाहिए। अलबत्ता बच्चों के इंटाइटलमेंट्स इंश्योर करने का काम CWC को होना चाहिए, लेकिन अभी तक उन हॉस्टल्स के रजिस्ट्रेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। कमीशन ने पिछले हफ्ते सरकार को उसका रूल ऑफ प्रोसीजर टू रेगुलराइज स्टैंड अलोन हॉस्टल बना के दे दिया है और उम्मीद है कोड ऑफ कंडक्ट के बाद सरकार उस पर काम करेगी, तो इनको रेगुलराइज करने के लिए हम काम करेंगे। आश्रमशाला की जो बात आपने कही, आदरणीय, हम लोगों ने एक स्टडी शुरू की थी पिछले साल, मैंने आपको बताया था, एक साल हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे आश्रमशाला नहीं मिली। स्टेट अथॉरिटीज़ हमको एड्रेसेस उनके नहीं दे पा रहे हैं और ये मुद्दे पे हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ WCD से बात की है, HRD से बात की है और अब इस पर ये तय हुआ है कि हम एक वृहद बैठक करेंगे और हमने डिमांड की है सरकार से कि हमें कुछ पैसे पूसे देने वो, तो हम हॉस्टल्स की मैपिंग एक बार कर लें, तो स्टैंड अलोन हॉस्टल और हॉस्टल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सबका डेटा हमारे पास हो, हम एक बार अंदर घुस के देख तो लें कि कहाँ है क्या है। ऐसे तो कोई हमको उनके पते नहीं बता पा रहा है, तो हमको खुद जाकर मैपिंग करनी पड़ेगी। अगर मुझे ये बात नहीं पता होती तो मैं ये सब क्यों कर रहा होता, मैं कर ही इसलिए रहा हूँ कि मुझे पता है, लेकिन एक बेयर मिनिमम यूनिफॉर्म रेगुलेशन, यूनिफॉर्म नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, रेगुलेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए, मैकेनिज्म बना के सरकार को दे दिया है, मैपिंग के लिए पैसे मांग रहे हैं, जैसे मिलेंगे तो आप लोगों के साथ ही करेंगे, सबकी मैपिंग करेंगे। थैंक यू सो मच प्रियंक कनोंग, आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल द पीपल हु वेयर ऑन दिस पैनल, वी डोंट हैव नरेंद्र जाधव एंड मुचकुंद दुबे विद अस, बट थैंक देम सो मच ऑल्सो फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग अस guidance and support in taking it forward, Aparajita for really running through the day, you know, her session ka kuch na kuch mudde jo, you know, you were able to bring it together, thank you so much, and thank you so much, and we look forward to a collaborative effort in making this act and going beyond this act for the right of children, thank you.